पहले मैं सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले 10 वर्षों से हम लोग हरदोई मेला महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं और इस बार भी हम लोग 30 दिवसीय हरदोई मेला महोत्सव का आयोजन करने जा रहे हैं। ये 10 साल में पहली बार 30 दिन का ये कार्यक्रम रहेगा, जिसमें कई प्रतियोगिताओं को इस बार शामिल किया गया है। साथ ही खेल कूद प्रतियोगिताओं में भी हमने इस बार कई प्रतियोगिताओं को इसमें लिया है, जैसे दौड़, लॉन्ग जंप, कबड्डी, रस्साकसी, शॉट पुट, बैडमिंटन, इस तरह के आयोजन रहेंगे। साथ में कला सज्जा, ड्राइंग पेंटिंग, क्राफ्ट, फेस पेंटिंग, कुकिंग क्राफ्ट, कार्ड मेकिंग, स्केचिंग, सुलेख, स्वरचित कविता पाठ, भाषण वाद विवाद प्रतियोगिता ये रहेंगे। साथ ही नृत्य गायन की प्रतियोगिता भी आयोजित होगी। साथ ही हरदोई में हम लोग पिछले 10 वर्षों से एक शो को लेकर आ रहे हैं, मिस्टर हरदोई मिस हरदोई, जिसमें युवाओं को मौका मिलता है, जिसमें वो चुने जाते हैं, जिसमें 2 राउंड होते हैं और उसमें वो मिस्टर हरदोई मिस हरदोई के आधार पर उन्हें टैग मिलता है, ताकि उनकी यात्रा आगे भी पहुँचती है। इसके साथ ही हम लोग कवि सम्मेलन का आयोजन करते हैं, म्यूज़िकल बैंड शो रहता है लखनऊ के कलाकारों के द्वारा। साथ ही लास्ट डे जो होता है वो सेलिब्रिटी नाइट रहती है और उसके साथ ही हम लोग उसी दिन पुरस्कार वितरण भी रहता है। तो ये लगभग कार्यक्रम हम लोग 30 दिन के कार्यक्रम में रहते हैं। साथ ही भारत के विभिन्न राज्यों से लगभग कई स्टॉल्स आते हैं, काफ़ी दूर दूर से स्टॉल्स आते हैं हरदोई में, तो उनका भी लोग आनंद ले सकते हैं, मनोरंजन देख सकते हैं, वहाँ पे ख़रीदारी भी कर सकते हैं। तो ये कार्यक्रम रहता है, ये पूरा आयोजन हमारी पूरी टीम के सहयोग से हम लोग पूरा कर पाते हैं। तो हम चाहेंगे कि ये मेला कितने वर्षों का अभी तक हो गया है? देखिए, ये इस साल हमारा ये 10वां सीजन है। हम लोग पिछले 9 वर्षों से लगातार इस पूरे आयोजन को करते आ रहे हैं और 10वें सीजन में इस बार हमने 10 दिन और बढ़ा दिए हैं, तो लगभग 30 दिन का ये कार्यक्रम रहेगा और काफ़ी कुछ नया लेके आए। पिछली बार भी सेल्फी पॉइंट वगैरह भी कुछ थे, लंदन ब्रिज वगैरह भी था, इसके अलावा और भी कुछ प्रमुख चीज़ें बातचीत चल रही है हमारी, और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हम लोगों ने पिछले साल भी भक्तिमय का एक कार्यक्रम किया था सिद्ध जी का। तो हो सकता है मे बी में कोई बड़ा कलाकार से हम लोग यहाँ पे भक्तों का वहाँ पे भजनों का एक जो है एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग लेकर आ सकते हैं, अभी प्रोसेस में है। और ये कार्यक्रम 1 दिसंबर से शुरू होगा और लगभग 30 दिसंबर तक चलता रहेगा। 31 दिसंबर को हमारे पुरस्कार वितरण के साथ ही इस कार्यक्रम का समापन होगा। अपना पूरा परिचय